In this case, object is placed beyond 2F. Here, inverted, real and smaller images form. अच्छा नेक्स्ट आज हमारा आर्टिकल है एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज. लेंसेज की एप्लीकेशन हमने पढ़नी है. एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज, जैसे हमने मिरर्स की एप्लीकेशन पढ़ी थी. मिरर की तीन एप्लीकेशन थी. कौन कौन सी थी? पहली एप्लीकेशन थी रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म वाली, ठीक है. उसके बाद उसमें लाइट पाइप वाली थी. उसके बाद थी एंडोस्कोप. उसके बाद थी ऑप्टिकल फाइबर. तो ये हमने तीन चार एप्लीकेशन वहाँ पढ़ी थी. सेम इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज भी पढ़ रहे हैं. तो लेंसेज की भी तीन एप्लीकेशन दी गई हैं. पहली एप्लीकेशन है कैमरा. सेकंड एप्लीकेशन हो गया हमारे पास फोटोग्राफ इनलार्जर. PGE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. और उसके बाद अगली एप्लीकेशन होगी स्लाइड प्रोजेक्टर. बल्कि सेकंड एप्लीकेशन है स्लाइड प्रोजेक्टर और थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास फोटोग्राफ इनलार्जर. तो सबसे पहले हम कैमरा जो एप्लीकेशन है इसको डिस्कस करते हैं. इन तीन एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक रिकॉल करना है. मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, याद आता है? इमेज फॉर्मेशन में कितने केस पढ़े थे हमने? छह केसेस पढ़े थे. केस वन था कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर हो. केस टू था कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? बियॉन्ड 2F. केस थ्री था हमारे पास कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F. और केस फोर था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2F. और फिफ्थ केस था हमारे पास के एट एफ. और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज बिटवीन एफ एंड लेंस भी कह सकते हैं या एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हैं. तो ये तीन केसेस हैं. इन तीन केसेस में, ये छह केसेस हैं, इन छह केसेस में मैंने बताया था कि कैमरे वाला जो केस है ये है केस नंबर टू. यानी जब आप कैमरा स्टडी करेंगे तो कैमरा स्टडी करने के लिए हमें केस नंबर टू वाली कंस्ट्रक्शन को वहां पर बनाना होगा. केस नंबर टू क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F, तो इससे बनने वाली इमेज कहाँ होगी? बिटवीन एफ एंड 2F, ठीक है. और इससे बनने वाली इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड, रियल और उसके बाद क्या होगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. और इसकी एप्लीकेशन कहाँ थी? कैमरा के अंदर थी. तो आज हमने ये जो टॉपिक पढ़ना है कैमरे वाला, इसमें हमने केस नंबर टू को यूज करना है. उसके बाद स्लाइड प्रोजेक्टर और फोटोग्राफ इनलार्जर के लिए मैंने क्या कहा था? केस नंबर फोर, याद है? कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2F और इससे बनने वाली इमेज कहाँ होगी? बियॉन्ड 2F होगी. हेयर इमेज इज फॉर बियॉन्ड 2F. यहाँ बनने वाली इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड, उसके बाद रियल और क्या थी? लार्जर थी. इनके नाम से जाहिर हो गया कि हमने स्लाइड प्रोजेक्टर ले रहे हैं, कि यानी एक इमेज को प्रोजेक्ट करना है किसी स्क्रीन के ऊपर. जाहिर बात स्क्रीन के ऊपर हम तभी लेते हैं जब हमें बड़ी इमेज लेनी होती है. या फोटोग्राफ एनलार्जर, एनलार्ज मीन बड़ा कर देना, यानी फोटोग्राफ को बड़ा करके दिखाने वाला. तो इन दोनों के नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हमने इमेज को बड़ा करना है, लार्ज इमेज बनानी है. तो अंडरस्टूड है कि हमें केस कौन सा लेना है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2F. तो ये दो केस हमने इस्तेमाल करने हैं इन तीन टॉपिक को पढ़ने के लिए. और अगर ये दो केस आपको याद हैं तो ये तीन टॉपिक आपको ऑलमोस्ट क्लियर हैं. इसमें थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की एडिशन होगी, बाकी ये टॉपिक सारे क्लियर हैं. तो फिलहाल अभी हम आ रहे हैं अपने कैमरा वाले टॉपिक की तरफ. कैमरा वाले टॉपिक की बात करें ना, तो कैमरा वाले टॉपिक को समझने के लिए हमें फिलहाल डायग्राम बनाने के लिए पहले रे डायग्राम्स को बना लेना है. जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आगे, हर टॉपिक में सबसे पहला काम क्या करना है? रे डायग्राम्स को आपने अच्छी तरह बना लेने. रे डायग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर फिर कोई एक्सटर्नल बॉडी वगैरह ऐड करनी होगी तो वो ऐड कर देंगे. अभी हम रे डायग्राम बना रहे हैं कैमरा के अकॉर्डिंग. कैमरा में कौन सी रे डायग्राम बननी है? केस नंबर टू वाली. सपोज दिस इज लेंस,
और ये क्या हमारे पास एपर्चर, और ये वाली लाइन क्या हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये दरमियानी पॉइंट क्या है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया एफ, सेम उतने डिस्टेंस पर यहाँ क्या हुआ एफ, अच्छा उतने डिस्टेंस पर यहाँ 2F, और ऑलमोस्ट उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ भी क्या होगा 2F होगा, ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F, 2F से परे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, यहाँ मैंने बियॉन्ड 2F ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, तीन रेज बनानी है, पहली रे कौन सी प्रिंसिपल रे, दूसरी स्ट्रेट रे, और तीसरी ऑब्लिक रे। इसमें मैंने बना ली पहले इसके अंदर प्रिंसिपल रे, प्रिंसिपल रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, और वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ होती है ऑप्टिकल, ये प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है। अच्छा यहाँ क्या करना चाहिए, बनने वाली इमेज को F और 2F के दरमियान करना चाहिए, और ये छोटी इमेज होगी। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ हमने जो इमेज बनानी है वो F और 2F के दरमियान, और हो भी कहाँ छोटी, इस तरह से होगी। इट्स मीन कि ये रेज कहाँ चली जाएगी F में से पास होके, यहाँ पर हमने इसमें से पास करा दी, ठीक हो गया। उसके ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल रे। सेकंड हमारे पास क्या है जी स्ट्रेट रे, स्ट्रेट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो गए, बिल्कुल सीधी चली गई, और ये आगे उसको कहीं जा के टच करेगी, जहाँ टच कर रही होगी उसी जगह पर क्या हो गई इमेज बनेगी। और थर्ड रे हमारे पास क्या है जी ऑब्लिक रे, ऑब्लिक रे यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद इससे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जहाँ ये तीनों रेज मीट कर रही होगी उसी जगह पर क्या मिलेगा, और ये तीनों रेज मीट कर रही हैं कहाँ बिटवीन एफ एंड 2F, तो इस जगह पर इमेज बन गई। तो एक बात तो यहाँ से ये वाजे हो गई कि बिटवीन एफ एंड 2F है, इन्वर्टेड भी है, रियल भी है, और ये इसकी निस्बत क्या है छोटी है। जब आपने ये कंस्ट्रक्शन बना लिया है, इस कंस्ट्रक्शन के बाद अब अगला काम करें, इसी पूरे के ऊपर आप बॉडी बना दें। ये हमारे पास टोटल इसकी बॉडी बनानी है, ये एक हमने लाइट प्रूफ बॉक्स बना दिया, ये लाइट प्रूफ बॉक्स आ गया। अच्छा एक और चीज़ नोट करें, अब कैमरे के अंदर क्या होता है, कैमरे के अंदर जहाँ इमेज बननी है ना, वो इमेज हमेशा जिस जगह बनेगी वो एक स्क्रीन होगी, थिन लेयर होगी या थिन फिल्म होगी जिसके ऊपर इमेज बनानी है। अंडरस्टूड है कि इस कैमरे में ये जो बॉक्स बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, इस बॉडी की जो स्क्रीन है, स्क्रीन कहाँ होनी चाहिए बिटवीन एफ एंड 2F, क्यों, क्योंकि बनने वाली इमेज वहीं पर बननी है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जहाँ एफ और 2F बनाएंगे इसी जगह पर पहले आप क्या बना लेंगे स्क्रीन बना लेंगे, पहले आप यहाँ पे ये स्क्रीन बना लें, ये स्क्रीन बन गई, और इसी स्क्रीन के ऊपर हम क्या करेंगे थिन फिल्म है या स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर हमने इमेज ऑब्जर्व करनी है। ये स्क्रीन बन गई, स्क्रीन बनने के बाद अब यहाँ पर आप ये इसको ये होगी इसकी इमेज फॉर्मेशन, ये इसकी बॉडी बन गई, ये इस तरह से बॉडी आप बना दें, और इसमें बाकी इस तरह की थोड़ी सी शेप्स वगैरह बनाना चाहें ऐसी तो ये आप बना सकते हैं, ऐसे इस तरह से कर लें। बाकी जो मेन फीचर था इसका वो यही वाला था, इस तरह से कर लें। बाकी इसको अगर यूं करना चाहें जैसे उसमें शेप बनी हुई है, क्योंकि हर कैमरा, हर कंपनी का कैमरा अपनी अलग अलग शेप रखता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसी बुक में ये डायग्राम बॉडी की बनाई हुई है आप वैसे ही बनाएं। असल चीज़ क्या थी, असल चीज़ ये वाली थी जो हमने समझ ली। अब इसके अंदर क्या कहेंगे कि कैमरा क्या है, कैमरा एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक लाइट प्रूफ बॉक्स पर मुश्तमिल है, क्या है जी इट कंसिस्ट ऑफ लाइट प्रूफ बॉक्स। क्यों लाइट प्रूफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितनी लाइट रेज से हमने इमेज ऑब्जर्व करनी है वही लाइट रेज ही हम यहाँ ऐड करें, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल लाइट इस बॉक्स में ना आए। अगर एक्सटर्नल लाइट इसके अंदर आ गई तो क्या होगा, इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी,
वो एक्स्ट्रा लाइट्स आ जाएंगी, उन एक्स्ट्रा लाइट्स की वजह से जो बनने वाली इमेज है उनको क्या कर देंगी, डिस्टर्ब। हम ये चाह रहे हैं कि लाइट प्रूफ बॉक्स हो ताकि एक्स्ट्रा लाइट इन लाइट रेज में या इमेज फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस पैदा ना करें और सिर्फ इन्हीं की वजह से ही हम ये ऑब्जर्व कर सकें। तो ये लाइट प्रूफ बॉक्स पर मुश्तमिल है। एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट है कि कैमरा के अंदर ऑब्जेक्ट और लेंस का जो दरमियानी डिस्टेंस है ना, लेंस और ऑब्जेक्ट का दरमियानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, जिसको हम किससे जाया करते हैं, पी से। ये हमेशा फिक्स होता है। एमसी की बात ये है कि इन कैमरा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज, तो चार ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो इसमें किस पर टिक करेंगे, फिक्स पर टिक करेंगे। हमेशा फिक्स रहता है, वेरी नहीं कर सकता, ये फिक्स रहेगा। ये एमसी को याद रखें। तो ये दो पॉइंट ये आ गए। थर्ड पॉइंट पर नेक्स्ट आपके एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F, हेयर इमेज इज फॉर्म बिटवीन, हेयर इन्वर्टेड रियल एंड स्मॉलर इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड 2F ऑन अ स्क्रीन, किसी स्क्रीन पर या थिन फिल्म पर। बुक में लव्स थिन फिल्म इस्तेमाल कर रहे हैं या थिन, उसमें आप स्क्रीन भी लव्स यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर ये बनती है। तो ये जस्ट सिंपल सी कंस्ट्रक्शन किसकी है, कैमरा के मुतालिक है। अब इस कैमरा से मुतालिक कोई सवाल है तो पूछ लें, है कोई सवाल? नेक्स्ट, उसके बाद आ रहे हैं हम अगले टॉपिक, क्या है जी, स्लाइड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट इसकी सेकंड एप्लीकेशन है स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर नाम से जाहिर हो गया, यहां स्लाइड प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं या इमेज प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं या फिर इसको मूवी प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दिया जा सकता है। यानी जिस जगह पर स्लाइड होगी ना, उसी जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, जिस ऑब्जेक्ट को हमने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना होगा, डालना होगा, उसके ऊपर फॉल कराना होगा। अब प्रोजेक्टर से जाहिर है आपने देखा है कि जैसे अब ये मैच वगैरह होते हैं, इसमें इस पार्क में आपने मैच देखे, वहाँ बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है और वहाँ स्क्रीन के ऊपर जिस डिवाइस में से वो रेज निकल रही होती हैं, वही डिवाइस क्या है, प्रोजेक्टर। आगे स्क्रीन के ऊपर आपको बड़ी स्क्रीन के ऊपर उसकी इमेजेस दिखा रहे होते हैं और हर चीज़ आम छोटे टीवी की नस्बत क्या होती है, बड़ी नज़र आ रही होती है। तो हमने उसमें ये कंसेप्ट समझना है कि स्लाइड प्रोजेक्टर किस तरह काम करता है और इमेज ऑब्जेक्ट को बड़ा करके कैसे दिखाया जाता है या बड़ी इमेज कैसे मिलती है, उसको समझने के लिए हमें इसकी भी कंस्ट्रक्शन समझनी है। इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले नंबर पर हमने लेना है कनकेव लेंस। क्या लेना है जी? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है? अ लेंस हूज इंटरनल कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, यानी इसकी जो अंदरूनी कर्व सरफेस है वो पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग होती है। और पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम क्या होता है? आने वाली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देना। क्या कर देना? रिफ्लेक्ट बैक। जबकि इसकी दूसरी साइड क्या होती है? इसकी दूसरी साइड पर सिल्वर की लेयर चढ़ा के, पहले इसके ऊपर सिल्वर की तह चढ़ाते हैं, ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिल्वर की लेयर चढ़ा के फिर इस सिल्वर की लेयर के ऊपर रेड लेड ऑक्साइड की तह चढ़ा दी जाती है। क्या होता है जी? रेड लेड ऑक्साइड PbO2 की लेयर चढ़ा दी जाती है। यूँ हमें ये वाली जो इसकी बैक साइड है ये क्या मिल जाती है? ओपैक मिल जाती है। तो ये वाली साइड हमारे पास ओपैक, और जबकि ये वाली साइड हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्टिंग, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग, जिससे लाइट टकरा कर जाएगी। तो ये साइड पॉलिश रिफ्लेक्टिंग और उसकी उधर दूसरी वाली साइड क्या हमारे पास? ओपैक साइड है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि ये जो मिरर है ना, ये मिरर एक सफेयर का हिस्सा होता है, ऐसे ही है ना, और इस सफेयर के सेंटर को क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसका फर्ज कर लिया कि ये यहाँ सेंटर है, इसको मैं क्या कह देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जगह पर आपने क्या रखना है? लाइट सोर्स रखना है। क्या रखना है जी? लाइट सोर्स इसी जगह पर रखना है। रिमेंबर दिस लाइट सोर्स इज एन ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से क्या मुराद है? इस लाइट सोर्स से मुराद ये है कि ये लाइट सोर्स लाइट रेज तमाम डायरेक्शन में भेज रहा है, जिनमें से हम अपनी आसानी की खातिर सिर्फ चंद एक लाइट रेज ले रहे हैं, जिसमें से दो मैं लाइट रेज यहाँ इधर फॉल करा देता हूँ,
दो इधर लाइट रेज फॉल करा देता हूँ और दो लाइट रेज में एक लाइट रे इधर फॉल करा दी, दो इधर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये लाइट रेज तमाम डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन हमने आसानी की खातिर सिर्फ और सिर्फ चार लाइट रेज ले ली ताकि हम आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक हो गया। और ये लाइट सोर्स पड़ा कहाँ पर है बताएं जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर, यहां पर लाइट सोर्स पर है। और ये लाइट सोर्स है कौन सा? ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ये तमाम डायरेक्शन में लाइट्स को भेज रहा है, इधर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। तो ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है जो तमाम डायरेक्शन में भेज रहा है। अब अगर हम यहां पर नॉर्मल ड्रा करें, नॉर्मल ड्रा करने के बाद हमने देखा कि लाइट रे जितने एंगल पर जाकर इंसिडेंट कर रही है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो ये सीधी चली जाती है। समझ आ गई? इसी तरह ये लाइट रेज जो है नॉर्मल ड्रा किया, जितने एंगल पर ये टकरा रही है उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट बैक हो गए, यूं सीधी चली जाएगी, यहां पर ये लाइट पहुंच गई। अब हमने सिर्फ बनाई है दो लाइट रेज, दो नहीं है बल्कि जितनी भी लाइट रेज यहां टकराएंगी सारी की सारी लाइट रेज सीधी जाएंगी। हमारा अब टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि यहां पर हमने जो स्लाइड रखी हुई है ना, इस पूरी की पूरी स्लाइड पर हमने, स्लाइड से मुराद यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्लाइड प्रोजेक्टर या इमेज प्रोजेक्टर या मूवी प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट रखना है उसको क्या कर देना है? प्रोजेक्ट कर देना है। तो इस स्लाइड वाली जगह पर ही हमने उसी चीज को रखना है जिसको हमने प्रोजेक्ट कराना है। टारगेट ये है कि यहां से जो लाइट सोर्स आई है ना, ये लाइट आई है, सारी की सारी लाइट इसके ऊपर जानी चाहिए, यानी जितना उस स्लाइड का साइज है उतने साइज जितनी पूरी एक एक जगह पर, यहाँ भी लाइट जाए, इधर भी लाइट जाए, इधर भी लाइट जाए, कोई ऐसी प्लेस ना हो इस स्लाइड में ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के दरमियान जहाँ लाइट फॉल ना कर रही हो। इस मकसद की खातिर हम क्या करते हैं, हम पीछे एक ऐसी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं जिससे लाइट रेज पैरेलल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पैरेलल। इस मकसद के लिए एक काम तो हमने ये किया कि पॉलिश्ड ओपेक ऑब्जेक्ट ले लिया, लाइट सोर्स यूज कर ली। एक और काम कर रहे हैं यहाँ पर, हम एक और लेंसेज की कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होता है कंडेंसर। क्या नाम होता है? कंडेंसर। अच्छा, अब सवाल आता है कि व्हाट इज कंडेंसर? कंडेंसर दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल है। किस पर मुश्तमिल है? दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसे? ये आपने पढ़ा हुआ है कि लेंसेज जो है ना हमारे पास, ये वाला जो लेंस है जिसकी दूसरी वाली साइड प्लेनो और पहले वाली साइड कन्वेक्स टाइप हो, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इस तरह के दो लेंस हमने इस्तेमाल करने हैं। एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस हमने लेना है यहाँ पर, ये यहाँ मैंने जी प्लेनो कन्वेक्स लेंस एक यहाँ ले लिया, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस इधर आ गया, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस बना दिया। दूसरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस उठाकर इसको मैं उलट करके यूँ रख देता हूँ, यानी सेकेंड प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूँ बन चुका है ऐसे, ये हमारा सेकेंड प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। ठीक हो गया। और कंबिनेशन ऑफ टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर का काम यही है जो हम यहाँ अचीव करना चाह रहे हैं। क्या टारगेट है? कि इसके ऊपर सारी लाइट रेज फॉल करनी चाहिए और सारी लाइट रेज बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। तो वो काम हमने किससे अचीव करना है, वो टारगेट ये कंडेंसर से। अब लाइट रे आएंगी, ये वाली जो लाइट रे है इस तरह की, ये कुछ लाइट रे इधर चली जाएंगी, कुछ इधर चली जाएंगी। अब फर्ज करिए कि यहाँ से ये लाइट रे यहाँ पे आ रही है, इधर से ये लाइट रे इधर जा रही है, जबकि ये वाली लाइट रे जो यहाँ से इधर आ रही है, ग्रीन कलर से इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी ही क्या है? पैरेलल है, सीधी जा रही हैं, ये हमने सीधी भेज दी है, ये ऑलरेडी ही पैरेलल रेज हैं। अब जो पैरेलल रेज यहाँ से आ रही है वो तो ठीक है, पैरेलल चली जाएंगी, लेकिन वो वाली रेज जो इस तरह से यूँ डिफरेंट एंगल पे जा रही हैं वो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर उधर बेंड हो जाएंगी। हमारा टारगेट ये कहाँ जाए? सीरीज के ऊपर। इसके लिए हमने ये कंडेंसर यूज किया। कंडेंसर इन तमाम रेज को, चाहे कोई पैरेलल है ये चाहे कोई इस तरह से जा रही है, इन तमाम रेज को क्या कर देगा? After refraction, parallel कर देगा। ये कंडेंसर का काम है। ठीक हो गया। तो कंडेंसर के बारे आप क्या कहेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज, और इसका फंक्शन क्या है?
कि तमाम लाइट रेस को पैरेलल कर देना, चाहे वो पैरेलल हैं या नहीं है, ये सारी की सारी लाइट रेस इसके ऊपर फॉल कर गई हैं। और यही हमने अचीव कर लिया टारगेट इसको कंडेंसर को इस्तेमाल करते हुए। जब तमाम लाइट रेस इसके ऊपर फॉल कर गई हैं, इसके ऊपर फॉल करने के बाद अब इस स्लाइड के ऊपर हमने क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। अब आप आ जाएं अपने टेबल वाले पॉइंट की तरफ। आप पढ़ चुके हैं कि स्लाइड प्रोजेक्टर या फोटोग्राफ इनलार्जर के अंदर कौन सा केस यूज करना है, बिटवीन एफ एंड टू एफ वाला। तो बिटवीन एफ एंड टू एफ से मुराद क्या है कि स्लाइड को हमने कहाँ रखना है, एफ और टू एफ के दरमियान, बल्कि ये बिटवीन एफ और टू एफ के दरमियान रखना है। यानी यहाँ जो हम लेंस बना रहे हैं, इस लेंस का किस तरह से कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ये फर्ज कर हमने लेंस बना लिया, तो लेंस का ये एफ इस जगह होना चाहिए और टू एफ यहाँ होना चाहिए। यानी हमने लेंस इतने डिस्टेंस पर आके यहाँ रखना है कि जिस जगह पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा वो ऑब्जेक्ट इस लेंस के एफ और टू एफ के दरमियान पड़ा होगा। ठीक है, ये लेंस बना लिया, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन लेंस का नाम भी दिया जाता है। इसके ये हमारे पास अपर्चर आ गया और दरमियानी लाइन में बना देता हूँ, इस दरमियानी लाइन को क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ठीक है, और दरमियान में ऑप्टिकल सेंटर में से पास होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस सीधा चला गया। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैं एक स्क्रीन बना रहा हूँ, इस स्क्रीन के ऊपर मैंने इमेज को ऑब्जर्व करना है। इस जगह ये स्क्रीन है जहाँ इमेज को ऑब्जर्व करना है, क्लियर। अब तमाम लाइट रही, इस जगह ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, उस ऑब्जेक्ट से यह स्लाइड पड़ी हुई है, स्लाइड में से आफ्टर रिफ्रैक्शन इस लेंस में से पास होंगी। लेंस में से पास होने के बाद अब ये लेंस तमाम लाइट रेज को एक जगह पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है जी, तो इस मैंने आपको पहले बताया कि हर एक जगह पर इमेज फॉर्मेशन के लिए हम अपनी आसानी के मुताबिक रे डायग्राम को लेते हैं। अब पिछले जो केस थे वहाँ तीन रेज ले रहे थे, कौन कौन सी थी, प्रिंसिपल रे, ऑब्लिक रे और स्ट्रेट रे। ये वाला जो केस आएगा इसके अंदर हम तीन रेज वो वाली लेने की बजाय हम थोड़ा और वे में रेज लेंगे। हम इसके लिए ये वाली रे ले लेते हैं, एक ये वाली रे आ गई और एक ये वाली रे आ गई। ये इन दोनों रेज को अगर हम बात करें, अब इस लेंस का क्या काम होता है, आने वाली वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं उनको एक जगह पर क्या कर देता है, कन्वर्ज। तो और कन्वर्ज भी कहाँ करेगा, एफ पर। ये हमारे पास एफ है, एफ पर कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज करने के बाद ये लाइट रेज आगे कहीं ना कहीं चली जाएंगी, ऐसे ही होगा। सिमिलरली ये भी इस लाइट रे को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, और ये एफ में से कन्वर्ज होने के बाद आगे कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। अब आप ये मत समझें कि इस केस के अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई नया तरीका अडॉप्ट किया है। इसके अंदर भी प्रिंसिपल रे पास, वो स्ट्रेट रे पास होगी, ऑब्लिक रे पास होगी और इमेज फॉर्मेशन होगी, लेकिन हमने आसानी की खातिर क्या कर लिया, सिर्फ जो साइडों वाली रेज है ना उनको ले लिया बजाय कि ज़्यादा कम्प्लेक्स में जाने के। तो साइड वाली सिर्फ ये वाली रे है, अंदर वाली को हम नहीं देख रहे। इनसे हमने देखा कि ये जो साइड वाली रे है वो एक जा रही है यहाँ पर और एक जा रही है यहाँ पर। इसका क्या मतलब है कि बाकी सारी रेज इनके दरमियान दरमियान होगी, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान दरमियान ही बाकी लेट रेज जाएंगे। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। तो हमने एंड वाली रेज को ऑब्जर्व कर लिया, एंड वाली रेज को ऑब्जर्व करके हमने इमेज फॉर्मेशन देख ली। अब नीचे वाली रे ऊपर चली गई है, ऊपर वाली रे नीचे आ गई है, ये किस चीज़ का सबूत है, उलट इमेज बन गई है। ठीक है, अब जबकि हमें वहाँ इमेज कैसी लेनी होती है, सीधी लेनी होती है। अब क्या ऐसा करें कि हमें इमेज सीधी मिल जाए, ऑब्जेक्ट की उल्टा रख दें, क्या करें, सपोज यहां पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को ही क्या कर दें, उलट रख दें। यानी इस केस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, उलट रखना पड़ेगा। उलट रखने के बाद इसकी हमें क्या मिलेगी, यहां पर सीधी इमेज बनेगी। ये इस जगह पर हमें इसकी इमेज जो है ना वो सीधी लेने के लिए ऑब्जेक्ट को उल्टा रखना होगा। तो ये हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अब क्या कहना है आपने,
इसके अंदर पहला काम आपने एक मिरर लिया, उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट सोर्स रखी, लाइट सोर्स से लाइट रेज निकली, वो इससे रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद सीधी चली गई और कुछ रेज जो इधर भी गई वो भी सारी आगे की तरफ चली गई। हमारा टारगेट है कि तमाम लाइट रेज को स्लाइड के ऊपर फॉल कराना बिल्कुल पैरेलल, कोई भी ऐसी जगह ना हो इस स्लाइड पर कि जहां लाइट फॉल ना कर रही हो। तो उस मकसद के लिए हमने एक डिवाइस ली जिसका नाम है कंडेंसर। कंडेंसर दो प्लेनों कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल है, इसका काम आने वाली तमाम लाइट रेज को पैरेलल सीधा किसके ऊपर फॉल कराना है, स्लाइड के ऊपर, जिसकी इमेज को हमने आगे उसके ऊपर ऑब्जर्व करना है। अच्छा, स्लाइड के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उलट और आगे हमने प्रोजेक्टर लेंस या प्रोजेक्शन लेंस भी कह सकते हैं, प्रोजेक्शन लेंस हमने इस्तेमाल कर लिया। इस केस के अंदर जो नोट करने वाली बात यह है कि हमने स्लाइड को या ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के दरमियान रखा ताकि इससे बनने वाली इमेज कैसी हो, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज होनी चाहिए। अब आप ये इसमें इन्वर्टेड कहेंगे या इरेक्ट कहेंगे, बनने वाली इमेज तो इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से फिर भी वो क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड जो है स्लाइड प्रोजेक्टर इन सेकंड केस ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई आपको सवाल है तो पूछ सकते हैं, है क्वेश्चन कोई? जी जी, बियॉन्ड टू एफ होगा। यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि ये इस स्लाइड को हमने कहाँ बनाना है, एफ और टू एफ के दरमियान बनाना है, यानी बियॉन्ड टू एफ ही ये हमें इमेज मिलेगा। तो ये हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट केस है थर्ड हमारे पास, फोटोग्राफ इन लार्जर। फोटोग्राफ इन लार्जर में भी आपने वही सेम काम करना है। अच्छा, नेक्स्ट फोटोग्राफ इन लार्जर है, फोटोग्राफ इन लार्जर में भी सेम वही वाला केस इस्तेमाल होगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में चेंजिंग आ जाएगी। फोटोग्राफ इन लार्जर यानी तस्वीर को बड़ा करके दिखाने वाली डिवाइस, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या थी, ऐसी डिवाइस जो एक ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज दिखाए, समझ आ गई, यानी उसको प्रोजेक्ट करके दिखाए, वो स्लाइड प्रोजेक्टर है। जबकि ये क्या है, ये भी सेम उस तरह एक तस्वीर की फोटो, क्या मतलब क्या है, तस्वीर, फोटोग्राफ एक तस्वीर की बड़ी इमेज करके दिखाए, वहाँ पर आप एक स्लाइड की या एक मूवी की या एक ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज का कह सकते हैं डेफिनेशन में। और इसकी डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइस जो एक तस्वीर को बड़ा करके दिखाए, फोटोग्राफ एंड लार्जर कहलाती है। फोटोग्राफ एंड लार्जर में भी सेम वही काम होगा, सिर्फ एक चीज़ की चेंजिंग है। यहाँ पर हमने लाइट सोर्स और मिरर इस्तेमाल किया, यहाँ लाइट सोर्स इस्तेमाल करेंगे, मिरर इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लाइट सोर्स ही मोनोक्रोमेटिक इस्तेमाल कर लिया। कौन सी इस्तेमाल किया है, मोनोक्रोमेटिक। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितने हम एडवांस वर्जन की तरफ चले जाते हैं तो हमें अब अपनी एडवांस चीज़ों की तरफ मूव करना होता है। तो ये फोटोग्राफ इन लार्जर स्लाइड प्रोजेक्टर के इंस्पेक्ट थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया हुआ है। क्या लिया हुआ जी, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये एक ही कलर की होती है और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां हम भेजना चाहें वहां भेज सकते हैं। तो इसलिए इस केस के अंदर लाइट जो है वो पर्टिकुलरली यूं पास होगी। अच्छा, ये जो हमारी बुक के अंदर डायग्राम बनाई गई है ना, वो डायग्राम जरा नोट करें, बिल्कुल सेम ऐसी है। इसके अंदर भी कंडेंसर बने हुए हैं और उसके बाद स्लाइड प्रोजेक्टर बने हुए हैं। ये कंडेंसर बना लिए पहले, ये पहला कंडेंसर, ये पहला प्लेनो कन्वेक्स लेंस आ गया और ये दूसरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस आ गया। उसके बाद ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे इधर इस जगह स्लाइड बना लेते हैं जिसके ऊपर हमने क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को रखना होगा। ये हमारे पास स्लाइड आ गई। इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट आगे हमने क्या रखना है, प्रोजेक्शन लेंस रखना है, जैसे उसमें प्रोजेक्शन लेंस पड़ा हुआ है। यहाँ भी हमने एक प्रोजेक्शन लेंस बना लिया, ये प्रोजेक्शन लेंस आ गया। प्रोजेक्शन लेंस बनाने के बाद और यहाँ पर हमने क्या बना देनी है, स्क्रीन बना देनी है जहाँ पर हमने इमेज को ऑब्जर्व करना होगा।
ठीक है। अच्छा, फोटोग्राफ इलार्जर भी स्लाइड प्रोजेक्टर वाले केस की तरह काम करेगा। स्लाइड प्रोजेक्टर वाला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2F, तो यहां पर ये जो स्लाइड रखी जाएगी ये इस लेंस के एफ और 2F के दरमियान होगी, और ये जो हमने स्क्रीन रखी हुई है ये स्क्रीन इस लेंस के, ये प्रोजेक्शन लेंस के एफ और 2F से परे रखी जाएगी, बियॉन्ड 2F। यही चीजें आपकी डायग्राम में चेक होंगी और यही चीज आपने थ्योरी के अंदर खुद लिख देनी है, ठीक है। लाइट आई यहां से, लाइट रेज आने के बाद अब कंडेंसर की क्या प्रॉपर्टी है कि आने वाली तमाम लाइट रेज को क्या कर देता है, पैरेलल लाइट रेज पैरेलल हो गई, ये लाइट गई है फॉल कर गई है, ठीक है, ये फॉल हो गई। फॉल करने के बाद अब यह हमने जिस ऑब्जेक्ट को, जिस फोटोग्राफ को बड़ा करना है वो बड़ा करके, अच्छा आपने अक्सर देखा होगा कि इसके अंदर ये देख रहे होते हैं मूवीज के अंदर मोस्टली, जिस तरह जैसे वो बैठे होते हैं कोई फौजी वगैरह है या पुलिस, किसी भी डाकू या किसी गैंग की इंफॉर्मेशन आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसको बड़े प्रोजेक्टर के ऊपर उनकी सारी तस्वीरें डिस्प्ले कर रहे होते हैं, तो जिस डिवाइस से वो डिस्प्ले कर रहे हैं उस डिवाइस का नाम क्या है, फोटोग्राफ इलार्जर, यानी उन्होंने उसकी तस्वीर को बड़ा करके दिखाया हुआ है जिससे, और यही चीज़ हम यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से लाइट रेज आएंगी सेम उस तरह, हमने बाकी लाइट रेज को ऑब्जर्व नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइट रेज को ऑब्जर्व कर लें, दो लाइट रेज। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है डायग्राम के अंदर कि उन्होंने डायग्राम में रेज को प्रॉपरली ड्रा नहीं किया जैसे ड्रा करना चाहिए, ज़रा गौर करें उसमें, है ऐसा नहीं है, उन्होंने लाइट रेज को लेंस से पहले ही क्या कर दिया, मिला दिया, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर क्या करना है, हमने लाइट रेज को लेंस में से पास कराने, लेंस में से पास करा के ये क्या होंगी अकॉर्डिंग टू रोल प्रिंसिपल फोकस में से पास होंगी, और पास होने के बाद ये सामने चली जाएंगी। सिमिलरली यहाँ भी लाइट रेज यहाँ से प्रिंसिपल फोकस में से पास हो गए सीधी चली जाएंगी, ये वही वाला सेम केस होगा, ठीक है। तो ये सेम इस तरह बनाना है, सिर्फ एक चीज़ की चेंजिंग थी, वो क्या थी कि यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है और हमने मिरर इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जबकि अब इसके ऊपर आप बॉडी बना दें, बॉडी कैसे बनेगी, ये इस तरह से इसकी बॉडी भी आप बना सकते हैं, बॉडी आप बाद में बनाए जब आप ये डायग्राम पहले रे डायग्राम्स बना लें। अब आप इसकी यहां पे बॉडी बना लें, ये हमारे पास एक इसकी बॉडी बन गई, ठीक हो गया। तो ये किसकी डायग्राम हो गई, फोटोग्राफ इनलार्जर की, सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। इसके अंदर क्या केस था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, वो उससे लाइट रेज निकली और कंडेंसर था, कंडेंसर ने क्या किया, उन लाइट रेज को प्रिंसिपल पैरेलल कर दिया, और आगे हमारे पास क्या थी, स्लाइड पड़ी हुई थी, स्लाइड के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, फोटोग्राफ को या ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को सीधा ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको उल्टा रख दिया, तो आगे उल्टा रखेंगे वहाँ उसकी इमेज सीधी बनेगी, और यहाँ माइंड में ये याद रखना है कि याद रखने वाली बात यह कि यहाँ जो स्लाइड या फोटोग्राफ रखा है वो इस प्रोजेक्शन लेंस के एफ और 2F के दरमियान होगा, और इससे बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F, उसके बाद नेक्स्ट कैसी होगी, रियल, उसके बाद इनवर्टेड, और उसके बाद लार्जर इमेज बनेगी। तो ये हमारे पास हो गया। अब इन दोनों स्लाइड प्रोजेक्टर और फोटोग्राफ इनलार्जर में एक कॉमन डिफरेंस है, कोई बता सकता है, जो हमारी बुक में नहीं दिया हुआ। जी वो तो ठीक है, लेकिन एक और डिफरेंस है जो हमारी बुक में नहीं है, जो आप लिख सकते हैं। जी नो डिफरेंस, ये आप सिमिलैरिटी बता रहे, डिफरेंस ये है कि ये स्लाइड प्रोजेक्टर है ओल्ड वर्जन,
इसके अंदर हीट का इशू आता है, यानी स्लाइड प्रोजेक्टर को ज़्यादा देर के लिए चलाएं तो इसके अंदर हीट के मसाइल आ जाते हैं, इसके अंदर कूलिंग डिवाइस नहीं लगी हुई। जबकि ये है एडवांस वर्जन, इसमें फोटोग्राफ एनलार्जर के अंदर यहाँ कूलिंग डिवाइस लगी हुई होती है जो हर वक्त इस फिलामेंट को, इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को क्या करती रहती है, कूल करती रहती है, ठंडा करती रहती है, जिससे इस फोटोग्राफ एनलार्जर के अंदर हीट का मसला नहीं आता, हीटिंग प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आता। जबकि ज़्यादातर हमें स्लाइड प्रोजेक्टर में हीटिंग इशू का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज सीन थी, वो कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।